तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या 1 से 7 तक। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खता पूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है, वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सबको एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरी विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। ये इतनी गहरी है कि मैं उसकी थाह नहीं ले सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष, अलेलुया,
अनुवाक्य हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। अनुवाक्य हालेलुया। 13 नवंबर गोस्पल पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 17 पद संख्या 1-6। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्नों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।